सेंट एंड्रयूज कॉलेज के ग्राउंड में जिला फुटबॉल लीग मैच का सोमवार को होने वाला सेमीफाइनल बारिश के कारण स्थगित हो गया है। मैच के तारीखों की घोषणा अगले दिनों की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फुटबॉल समिति के अध्यक्ष हमजा खान ने बताया कि रेफरी की बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि जब तक फील्ड में वाटर लेवल सही नहीं हो जाता है मैच करा पाना संभव नहीं है। इसी को देखते हुए मैच को स्थगित किया गया है। उन्होंने बताया हमजा खान फुटबॉल सेक्रेटरी फुटबॉल लीग का सेमीफाइनल मैच होना था, किन कारणों से स्थगित किया? तो एक कारण है कि बारिश हो गई और बारिश के बाद वो पूरा वाटर लॉगिंग हो गया ग्राउंड में, और वाटर लॉगिंग की वजह से जो टेक्निकल एरिया है, जो भी जो रेफरी को विसलिंग करने में या डेंजर जो जोन होता है गोलकीपर के लिए या खिलाड़ियों के लिए, वो पूरा विजिबल नहीं था, उसका लाइन नहीं दिख रहा था, और रेफरी को भी परेशानी हो गई अपना विसिल करने में, और जो असिस्टेंट रेफरी हैं उनको डिमार्केशन लाइन का प्रॉपर दिखना चाहिए और वो नहीं दिख रहा है। इस वजह से वाटर लॉगिंग की वजह से ही मैच स्थगित करना पड़ा दोनों सेमीफाइनल। आज का पहला सेमीफाइनल गौतम और वो मेडिकल फुटबॉल एकेडमी का था, और दूसरा सेमीफाइनल गोरखपुर एफसी और एनी रेलवे का था। दोनों सेमीफाइनल स्थगित करना पड़ा वाटर लॉगिंग की वजह से, और ये 10-12 दिन 15 दिन के बाद जैसे ही मौसम साफ होगा फिर वो नए सिरे से सूचित किया जाएगा दो चारों टीमों को, और सेमीफाइनल और फाइनल होगा। फैसला है वो जो टेक्निकल कमेटी है रेफरीज की, जो मैच सुपरवाइज करते हैं, उनका ये फैसला है कि मैच इम्पॉसिबल है, इस वाटर लॉगिंग के दौरान मैच नहीं किया जा सकता, और तब उनके फैसले को फाइनल करते हुए मैंने ये स्थगित करने का निर्णय लिया है।